भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों न्यूजीलैंड के दौरे पर है। टीम इंडिया ने 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज में क्लीन स्वीप किया और अब बुधवार यानी कि 5 फरवरी से 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेली जानी है। आपको बता दें कि वनडे इंटरनेशनल सीरीज से रोहित शर्मा चोट के चलते बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह टीम में मयंक अग्रवाल को शामिल किया गया है। कप्तान विराट कोहली ने बताया कि वनडे सीरीज में कौन पारी का आगाज करेगा। शिखर धवन पहले ही चोट के चलते इस दौरे का हिस्सा नहीं है और रोहित के बाहर होने के बाद दोनों स्पेशलिस्ट सलामी बल्लेबाज इस सीरीज में पारी का आगाज नहीं कर सकेंगे। विराट कोहली ने कहा कि शिखर धवन की जगह टीम में शामिल किए गए पृथ्वी शॉ ही प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे और पारी का आगाज करेंगे। आपको बता दें कि विराट कोहली ने ये भी कहा कि शानदार फॉर्म में चल रहे केएल राहुल मध्य क्रम में बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे। विराट कोहली ने कहा, रोहित का वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। वनडे में पृथ्वी शॉ पारी की शुरुआत करेंगे जबकि लोकेश राहुल को मध्य क्रम में बल्लेबाजी करनी होगी, तो हम चाहते हैं कि वो विकेट कीपिंग के साथ साथ मध्य क्रम में बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालें। 3 मैचों की वनडे सीरीज के बाद भारत को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेलनी है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से ऋतिक की रिपोर्ट।